पे। सो इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए थैंक यू आप सबको, आप सब जो भी वीडियो देख रहे हैं 10-15 लोग। ओके, और एक बात और, मेरी आवाज़ सच में इतनी ख़राब नहीं है जैसी भी आपको वीडियो में सुनाई दे रही है। सो प्लीज़ टॉलरेट। ओके, आज का टॉपिक है, रीसेंट रिसर्च हैज शोन दैट बिजनेस मीटिंग एंड ट्रेनिंग आर इंक्रीजिंगली टेकिंग प्लेस ऑनलाइन। ऐसे ही हो रहा है आजकल। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस? तो कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब भी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, मतलब इस टाइप का कोई भी टॉपिक आ जाता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन ही हो रही है मान लो, तो आप ये बैकग्राउंड लाइन लिख सकते हो इंट्रोडक्शन के लिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फास्ट पेस्ड बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑनलाइन मीटिंग्स, सेमिनार एंड डिस्कशंस हैव स्प्रंग अप। स्प्रंग अप मतलब उभर के आ रही हैं, एंड हैव बिकम कर लेना यहाँ पे, पॉपुलर या फिर प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट मतलब फैली हुई है, पॉपुलर ही लगा लो, ठीक है। सो मैंने कहा था जैसे कि किसी और टॉपिक में भी लगा सकते हैं, इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट की जगह, ऑनलाइन मीटिंग की जगह एजुकेशन कह सकते हो आप, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट होती है जो वो हमने पैराफ्रेज करना होता है क्वेश्चन को, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट डू द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ इटसेल्फ। ऑफ इटसेल्फ मतलब खुद के, तो इसको ऐसे को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हम एक लगा सकते हैं, तो उसका आपको सैंपल दे रखा है। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप डायरेक्टली भी इसको पैराफ्रेज कर सकते हो, जैसे वाइल। वाइल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, तो वाइल लगा के हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया। वाइल दिस हैज़ सर्टेन ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आई स्टिल फील दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड विच इम्पैक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली। अब मेरा इन्होंने क्या कहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? मुझे लग रहा है कि एडवांटेज ज़्यादा है, तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो थर्ड लाइन में यही लिखूंगा कि दिस एसे विल डिस्कस बोथ द एस्पेक्ट्स। क्यों? क्योंकि बोथ हमसे पूछे हुए हैं। बिफोर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कन्वीनियंसिस ऑफ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस, ये हो जाएगा इंट्रो। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है। पहले हम एडवांटेज लिख लेते हैं, फिर डिसएडवांटेज लिख लेंगे, फिर कंक्लूजन लिख लेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ वन स्टार्ट करना है, हमने बताना भी तो है कि एडवांटेज के बारे में बात करने लगे हैं। सो टू स्टार्ट विद, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स टू होल्ड ऑनलाइन मीटिंग्स ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस। अगर यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन होता तो भी हम लिख सकते थे। टू स्टार्ट विद, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स टू ऑर्गेनाइज ऑनलाइन क्लासेस ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ एडवांटेजेस, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक्स में हम इस स्ट्रक्चर को फिट कर सकते हैं। फिर वही फर्स्टली सेकेंडली थर्डली वाला गेम। फर्स्टली मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ यहाँ पे, बिकॉज़ क्यों? फिजिबल टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मीटिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सिर्फ यही नहीं छोड़ देना होता, इसके साथ कुछ और भी जोड़ना है। और जोड़ दो, अगर इंटरनेशनल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की हैं तो मतलब ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेज है वो मैटर नहीं करते। सो फीजिबल टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल मीटिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वाइल इग्नोरिंग द ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने की जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी होगी। एक यहाँ पे एक हमने इंट्रोडक्शन में कर ली थी। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडली ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसे लाइन है नहीं, बस आइडिया लिखा हुआ है। एम्प्लॉयज़ डोंट हैव टू यूजली ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, रादर दे कैन अटेंड द मीटिंग्स कम्फर्टेबली एट देयर होम। देख रहे हो, जैसे उन्हें लंबा सफ़र नहीं करना पड़ता, रादर दे कैन अटेंड मीटिंग्स इन देयर होम। तो दो जो आइडियाज़ हैं उसको एक ही सेंटेंस में लिख दिया, इससे ज़्यादा बैंड मिलते हैं, ठीक है, ऐसे लिखना आप भी। अब और कोई पॉइंट मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली इट विल रिड्यूस ट्रैफिक ऑन रोड्स। क्यों? क्योंकि लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, ट्रैफिक नहीं होगा रोड्स पे, पॉल्यूशन कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग गाड़ियाँ कम यूज़ करेंगे, पीपल विल ट्रेवल लेस एंड ऑफिसिस विल यूज़ लेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि कम लोग होंगे तो एसी नहीं चलाना पड़ेगा, लाइटें नहीं चलानी पड़ेंगी, तो बिजली कम यूज़ होएगी, एनर्जी कम यूज़ होएगी, एनर्जी कम यूज़ होएगी तो कम बनेगी कम, फिर ऐसे पॉल्यूशन होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब डिसएडवांटेज भी डिस्कस करने को बोले थे तो वो भी कर लेते हैं। ऑल दो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी यूज़फुल, दे हैव सेवरल ड्रॉबैक्स।
अगर यहाँ पे कुछ और होता, ऑल दो ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी यूजफुल, दे हैव सेवरल ड्रॉबैक्स, फिर वही, इनफैक्ट स्पेंडिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन ई डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अफेक्ट्स आइज एंड पोस्चर। पोस्चर कैसे, मतलब हमारे शरीर की जो बनावट होती है, मतलब कंप्यूटर के आगे नज़रें झुका के, गर्दन झुका के बैठे रहेंगे, पोस्चर ख़राब होगा ना, और आंखें तो ख़राब हो ही जाएंगी वो तो। ओके, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब वही सेकेंडली कोई कहा है मैंने, ये रहा सेकेंडली। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, कंप्यूटर में काम करना तो इंटरनेट चाहिए होगा, तो इंटरनेट कई बार अनस्टेबल होता है, अनरिलायबल भी होता है, और डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है कई बार, क्योंकि बीच में घर वालों के मैसेज आ रहे होते हैं ग्रुप में, है ना, या फिर मतलब जस्ट एग्जांपल दिए है। तो ऐसे फैक्टर्स, सच फैक्टर्स लीड टू पुअर क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन। ठीक है, मान लो जैसे आपके ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही है और साथ में आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके ऑफिस वाले भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो दिस लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन डिस्कशंस। तो ये एक तो इसके ड्रॉबैक्स हैं। कंक्लूजन में, टू कंक्लूड, ऑनलाइन मेथड्स डू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी, हाउएवर इट कम्स विद अ फ्यू ड्रॉबैक्स विच कैन बी डेल्ट बाई टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। इसमें कुछ भी सोचने वाला नहीं था, यहाँ पे ऑनलाइन मेथड्स ऑफ ऑनलाइन मेथड ऑफ क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है, यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग भी बात कर सकते थे, यहाँ पे कुछ और होता, जैसे ऑनलाइन बिजनेस करना था, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कह देते कि भी कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है, पर उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, दे कैन बी डेल्ट बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। तो ऐसा कंक्लूजन हर जगह चल जाता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है, वोकेबलरी भी ठीक ठाक अच्छी है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने कोशिश करनी होती है 4 या 5 लिखें हर एक उसमें, तो हमने 1 2 3 4 5 5 तो हमने बॉडी पैराग्राफ में लिख लिए, एक लिख रखा है इंट्रोडक्शन में। तो ये सब था, ऐसे टॉपिक था, रिसेंट रिसर्च है शोन दैट बिजनेस मीटिंग एंड ट्रेनिंग आर इंक्रीजिंगली टेकिंग प्लेस ऑनलाइन, व्हाट आर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ दिस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे नहीं भी बताना कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, लाइक कर देना, मेरा काम है आपकी हेल्प करना, और आपका काम है वीडियो देख के चले जाना। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।